हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो गफार पाकिस्तान सुपर लीग की एक और अपडेट लेके हाजिर है जनाब। पाकिस्तान सुपर लीग के शेड्यूल का ऐलान का मैं भी मुंतजर हूँ और कोई 50,000 सवाल मुझसे हो चुके होंगे इस हवाले से। लग ये रहा है कि इन सवालों के जवाब बिलाखिर आज किसी वक्त मिलने का इम्कान है। चूँकि देखिए सरफराज अहमद भी आज सुबह पहुँच गए, बिलाखिर उनके साथ दीगर प्लेयर भी, 3-4 प्लेयर्स हैं जिनके भी वीज़े नहीं आए, होप्स हो कि वो भी एक हफ्ते में चले जाएंगे। अब जो हर्डल कह लें या डिस्कशन है वो ये है कि तकरीबन 7 या 6 तारीख को जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनका क्वारंटीन पूरा होगा। प्लेयर्स तो ऑब्वियसली अभी 3 या 4 तारीख के बाद प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड जा सकेंगे और बायोसिक्योर में ऑब्वियसली उनको बाहर आने की इजाज़त होगी। अभी तो वो अपने अपने कमरों में बंद हैं। बट मामला ये आ रहा है जनाब के डिस्कशन ये है कि 20 मैचेस हैं और अगर 10 या 11 दिन बचते हैं तो कैसे कराएं, इतनी सख्त गर्मी है, 45 सेंटीग्रेड वहाँ पर है, सो कैसे इसको मैनेज किया जाए। तो जनाब इसका हल निकालने की कोशिश की जा रही है, डिस्कशन हो रहे हैं, कुछ ये भी डिस्कशन हैं कि लीग को क्या कम कर दिया जाए। अब तो मुझे कुछ पता चल रहा है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, वो ये है कि हमने इंग्लैंड जो जाना है 23 तारीख को, उसको थोड़ा सा लंबा कर लिया जाए, यानी कि 23 को जाना है तो 24 तक फाइनल करा के 25 टीम चली जाए, वहाँ क्वारंटीन पूरा होगा तो फिर भी आप अपने पहले मैच तक। बट ये भी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ऐसा यूजली होता नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो चीज़ तय हो जाए। बट याद रखिएगा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुक बहुत अच्छे हैं, स्पेशली चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान के आने के बाद। हमने देखा कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड का दौरा भी उस वक्त किया बहुत मुश्किल हालात में, इंग्लैंड को बहुत फ़ायदा हुआ वरना बहुत बड़ा माली खसारा होना था। उसके बाद आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर थोड़ा सा कोई फेवर मांग भी लेता है तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कोई सख्ती दिखाएगा, लचक ही दिखाएगा। शायद हमें इसका हल ये भी एक्सटेंड होता दिखाई दे कि चलें शुरू वक्त पर नहीं हो रही बट आगे करके ख़त्म कर लेते हैं। सो अब सिनेरियो ये कुछ ऐसा बन गया है, देखिए इसका हल क्या निकलता है। बट बी वेरी अलर्ट ऑन माई YouTube चैनल क्योंकि आज किसी वक्त मुझे लग रहा है ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं आपके पास आऊँगा और आपको मैं बता दूंगा। सो अपने जो सपोर्ट है जारी रखिए, ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइए शेड्यूल के हवाले से आप ही क्या राय है, और लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को जो लोग पहली बार दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अलर्ट रहिएगा, आज किसी वक्त भी शेड्यूल आने वाला है।